Hello and welcome to the Brainiac. My name is Himanshi. If you're new to the channel, please don't forget to hit the subscribe button. हम यहाँ डिस्कस करते हैं the top most current affairs of the day. आज की डेट है 10th of June. So let's get started. आज का हमारा पहला सेक्शन है बैंकिंग एंड अवेयरनेस का. तो पहला हमारा क्वेश्चन है नाबार्ड से रिलेटेड. तो नाबार्ड जो है ये फैसिलिटेट कर रहा है 270 करोड़. तो ये आपको बताना है कि ये किस बैंक को दे रहे हैं. तो ये दे रहे हैं असम ग्रामीण विकास बैंक को. ठीक है, तो नाबार्ड ये जो अमाउंट दे रहे हैं वो है इनका पार्ट ऑफ द 25,000 करोड़ का जो ये स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी दे रहे हैं. यानी कि तरलता के लिए जो है ये सभी बैंकों को जो सहायता प्रोवाइड कर रहे हैं वो 25,000 करोड़ की है. और उसी के अंदर जो है हमने पहले भी काफ़ी सारे अलोकेशंस दिए हैं, देखे हैं, और उन्हीं में से एक जो है वो असम ग्रामीण विकास बैंक को दे रहे हैं. तो ये जो विकास बैंक है ये एक तरीके का रीजनल रूरल बैंक है जो असम बेस्ड है, जिसे 2006 में बनाया गया था और इसके चेयरमैन है संजयानंद. ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं नाबार्ड के बारे में. तो इसका फुल फॉर्म क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. फुल फॉर्म इसका है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इस बैंक को जो है फॉर्म किया गया था 1982 में. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट्स जो नाबार्ड से रिलेटेड है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके जो चेयरमैन है वो है मिस्टर गोविंद चिंतरा राजुलू जो है ये इसके चेयरमैन है. और इनका जो अपॉइंटमेंट है वो काफ़ी रिसेंटली हुआ था. तो एनीवेज ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हमने देखा नाबार्ड के बारे में एंड अबाउट ये जो स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी दी है असम ग्रामीण विकास बैंक को. अगला हमारा सेक्शन है अपॉइंटमेंट्स का. तो देखते हैं अपॉइंटमेंट सेक्शन से पहला क्वेश्चन क्या है. पहला है कि गूगल क्लाउड ने अपॉइंट किया है किसे एज द सीनियर डायरेक्टर फॉर गूगल क्लाउड. तो गूगल क्लाउड के लिए इन्होंने अपॉइंट किया है मिस्टर अनिल वल्लूरी को. तो ये है हमारे मिस्टर अनिल वल्लूरी और इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है एज द सीनियर डायरेक्टर ऑफ गूगल क्लाउड. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं गूगल की. इसे जो है फॉर्म किया गया था 1998 में. इसके फाउंडर जो है वो है लैरी पेज और इसके जो सीईओ है वो हम सभी को पता है वो है सुंदर पिचाई. ठीक है, तो हमने देखा अबाउट द गूगल क्लाउड रीसेंट अपॉइंटमेंट. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला सवाल है अबाउट अ डिप्लोमैट मोनिका कपिल मोहता. तो शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री. तो शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्विट्जरलैंड. मोनिका मोहता शी हैज़ बीन अपॉइंटेड और ये जो है ये 1985 बैच के एक IFS ऑफिसर है और इसके पहले जो है ये स्वीडन की जो है एम्बेसडर रह चुके हैं. तो हमने क्या देखा, ये स्विट्जरलैंड की अब नई एम्बेसडर हैं. और जो है काफ़ी सारे रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जैसे कि गायत्री कुमार को है अपॉइंट किया गया था एज ए हाई कमिश्नर ऑफ ब्रिटेन. सुशील कुमार सिंगल को जो है पपुआ न्यू गिनी के नए एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया था. और सीबी जॉर्ज कुवैत के एम्बेसडर हैं. तो रवीश कुमार इज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फिनलैंड, ना कि स्विट्जरलैंड. और राहुल श्रीवास्तव जी को जो है अपॉइंट किया गया था एज रोमेनियाज न्यू एम्बेसडर. तो ये जो है सारे रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. और हमने यहाँ देखा स्विट्जरलैंड के बारे में. अगला हमारा सेक्शन है नेशनल का. तो आपका पहला क्वेश्चन है अबाउट इंडियन रेलवेज. ठीक है, तो इंडियन रेलवेज ने जो है कोई भी फैटलिटी नहीं देखी है ऑफ एनी पैसेंजर इन एनी ट्रेन इन दिस ईयर. यानी कि इस साल 2019 से लेकर 2020 के बीच में जो है कोई भी फैटलिटी या कोई भी डेथ देखने को नहीं मिली है. तो इस तरीके के जो हम फिगर्स देख रहे हैं ये पहली बार हम कितने सालों में देख रहे हैं, तो वो है 166 ईयर्स में. ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है जो कि हमको कहना चाहिए. हम क्या देख रहे हैं कि इंडियन रेलवेज में अप्रैल 2019 से लेके मार्च 2020 के बीच में कोई भी फैटलिटी या कोई भी डेथ नहीं हुआ है. ठीक है, ठीक है, जब से हमारी रेलवेज बनी है या रेलवे सिस्टम आया है 1853 से, तब से लेके आज तक 166 ईयर्स हो गए हैं. तो हर साल कोई ना कोई डेथ जो है हमें देखने ही मिली है. तो ये पहली बार है कि ऐसा कुछ हुआ है कि कोई भी जो है डेथ रिकॉर्ड नहीं की गई है. तो इसी के साथ अब रेलवे से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे पास, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड हो गए या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये स्पेशली जो है SSC के बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पहला यहाँ पे पॉइंट है कि फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रन फ्रॉम रेड हिल्स टू चिंतादृपेट ब्रिज इन 1837. पहली बार कोई ट्रेन अगर इंडिया में चली थी तो वो इस रूट में चली थी. ठीक है, दूसरा आपसे क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट है कि फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो है, मतलब पैसेंजर यानी कि इसमें लोग बैठे थे, वो चली थी बॉम्बे से थाने. ठीक है, और ये चली थी 1853 में. आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगला कि पहला जो रेलवे बजट है वो आया था 1925 में. हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है वो है पीयूष गोयल. हमारे इंडिया में टोटल रेलवे जोन है 18. नया जो 18वां जोन है वो है साउथ कोस्ट रेलवे जोन. हमारी जो इंडिया की लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है वो है पीर पंजल रेलवे टनल और जो लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज है वो है बोगीबिल ब्रिज. तो ये सभी जो हम फैक्ट्स देख रहे हैं वो रेलवेज रिलेटेड है और ये सभी जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है.
अगला सवाल है कि मैकिन्स इंडस्ट्रीज जो है इन्होंने को डेवलप किया है एक यूवीसी कैबिनेट। यूवीसी कैबिनेट आपको बताना है कि ये किसके साथ इन्होंने किया है। तो ये इन्होंने बनाया है विद ARCI। तो ये इस तरीके का एक यूवीसी कैबिनेट है जो कि बनाया गया है विद इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। ये ARCI का जो फुल फॉर्म है। तो ARCI क्या है, ये एक तरीके की डिपार्टमेंट है, एक तरीके का ऑटोनॉमस R&D सेंटर है जो कि आता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, एक मैकिन्स इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर इस तरीके का एक यूवीसी कैबिनेट बनाया है। इसकी खास बात क्या है कि ये 10 मिनट के अंदर जो है जितने भी आर्टिकल्स यहाँ पे होंगे उन सभी को डिसइंफेक्ट कर देगा। कल हमने डिस्कस किया था अबाउट अनन्या, अगर आपको याद होगा तो अनन्या क्या है, ये एक तरीके का डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है ये, जो कि बनाया गया था बाय DIAT। तो ये अनन्या है और ये हमने देखा अबाउट यूवीसी कैबिनेट। तो ये जो है रिसेंट डेवलपमेंट्स है जो हमको जानने हैं। अगला हमारा सेक्शन है स्पोर्ट्स का। तो हमारा जो इकलौता क्वेश्चन है स्पोर्ट्स सेक्शन से वो है अबाउट फॉर्मर UFC चैंपियन। तो इनमें से ऐसा कौन सा फॉर्मर UFC चैंपियन है जिन्होंने रिटायरमेंट रिसेंटली अनाउंस किया है। तो वो किया गया है बाय मिस्टर कॉनर मैकग्रेगर। तो ये है मिस्टर कॉनर मैकग्रेगर जो कि है UFC चैंपियन और ये एक MMA फाइटर भी है। तो इन्होंने जो है रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। इसी के साथ स्पोर्ट्स सेक्शन यही खत्म होता है। अगला है हमारा स्टेट्स। तो स्टेट से जो पहला क्वेश्चन है वो है अबाउट मिशन बिगिन अगेन। तो ये जो इनिशिएटिव है ये किस गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। तो मिशन बिगिन अगेन स्टार्ट किया गया है बाय महाराष्ट्र। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी, उन्होंने अनलॉक 1 करके रिसेंटली अनाउंस किया था जिसमें धीरे धीरे सभी इंडस्ट्री, सभी रेस्टोरेंट्स, कैफेज वगैरह सब चीज़ों को खोला जाएगा। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने इस मिशन को लॉन्च किया है जिसमें ये फेज वाइज रीओपनिंग करने वाले हैं अपनी पूरी इकोनॉमी की। तो उसी का नाम इन्होंने रख दिया है मिशन बिगिन अगेन। तो क्योंकि हम यहाँ महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो रिसेंटली 1 May को महाराष्ट्र और गुजरात ने मिलकर अपनी 60th anniversary मनाई थी। हमने चीफ मिनिस्टर देख लिए, गवर्नर यहाँ की है क्या है भगत सिंह कोशियार, एनिमल यहाँ का है जायंट स्क्विरल, येलो फुटेड पिजन बर्ड हो गई, जारुल फ्लावर है और मैंगो ट्री है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमारी ये सभी इंपॉर्टेंट है। नेचुरल साइट्स में देखें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, संजय गांधी नेशनल पार्क, टाडोवा नेशनल पार्क, ये सभी महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंट है। रिसेंट न्यूज में देखें तो 346 मिलियन जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया था महाराष्ट्र को। पहला ये स्टेट है जिसमें जो है ये फ्री इंश्योरेंस दे रहे हैं हर अपने सिटीजन्स को। 13th मेजर पोर्ट जो है वो महाराष्ट्र में ही खुलेगा, उसका नाम है बांधवन। और सो दीपांकर दत्त ये जो है नए चीफ जस्टिस है महाराष्ट्र के। तो ये हमने सारी न्यूज देखी रिलेटेड टू महाराष्ट्र और ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है अबाउट कोल इंडिया सब्सिडरी वेस्टर्न कोल फील्ड्स। तो ये जो कंपनी है इन्होंने 3 नए कोल माइंस को इनॉग्रेट किया है इन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो इन जो कोल माइंस हैं इनको इनॉग्रेट किया गया था बाय द चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान एंड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिस्टर नितिन गडकरी अलॉन्ग विद द कोल माइंस मिनिस्टर प्रहलाद जोशी। तो इन तीनों ने मिलकर जो है इसे इनॉग्रेट किया है। इन तीनों की माइंस का नाम देखें तो पहली है अदासा माइन जो कि हमारी नागपुर में है, फिर है शारदा अंडरग्राउंड माइन जो कि कन्हन रीजन में आती है, और धनकासा जो कि आती है पेंच एरिया में मध्य प्रदेश के। तो ये जो हम तीनों देख रहे हैं ये तीनों कोल माइंस हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो अगला स्टेट रिलेटेड न्यूज है कि किस स्टेट ने वेव ऑफ कर दिए हैं एडमिशन फी इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑल स्टूडेंट्स फॉर 2020-21। यानी कि किस राज्य ने ये जो हमारा शैक्षणिक वर्ष होता है तो उन सभी छात्रों के लिए जो कि इस हमारे एकेडमिक ईयर में अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी की जो है प्रवेश शुल्क को माफ कर दिया गया है। तो ये ऐसा कौन सा स्टेट है, तो वो है हमारा असम। तो जैसे कि हम देख रहे हैं असम गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से एडमिशन फीस को, देखिए पूरी फीस नहीं एडमिशन फीस को वेव ऑफ किया है। तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी पॉजिटिव जो है एक एफर्ट है असम गवर्नमेंट का। हम यहाँ बात कर रहे हैं असम की, तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी और कैपिटल यहाँ पे है दिसपुर। इंपॉर्टेंट यहाँ पे नेशनल पार्क देखें तो मानस नेशनल पार्क हो गया, ओरांग, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा और पोबितोरा, तो ये सभी नेशनल पार्क जो है वो इंपॉर्टेंट है ऑफ असम। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस स्टेट ने इनॉग्रेट किया है एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक। तो प्लांट के लिए एक हेल्थ क्लिनिक लॉन्च किया गया है बाय मणिपुर। तो हम क्या देख रहे हैं कि मणिपुर के गवर्नमेंट ने इस तरीके का एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक को लॉन्च किया है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये मणिपुर के गवर्नमेंट ने इसलिए किया है ताकि एग्रीकल्चर एज वेल एज हॉर्टिकल्चर इन दोनों चीज़ों को जो है बढ़ावा दिया जा सके बाय द मणिपुर गवर्नमेंट। तो इसी को बढ़ावा देते हुए इन्होंने प्लांट हेल्थ क्लिनिक को लॉन्च किया है।
मणिपुर की बात कर रहे हैं तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है बीरेन सिंह, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला और कैपिटल यहाँ पे है इम्फाल। नेचुरल साइट्स में देखें तो केबुल लैमजा नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है और लोकतक लेक। रिसेंट न्यूज में देखें तो मणिपुर का जो ब्लैक राइस है जिसका नाम है चखाओ, उसे रिसेंटली जीआई टैग मिला था। इन्होंने खांगजोम डे मनाया था रिसेंटली और फूड बैंक इनिशिएटिव मणिपुर का है और मणिपुर की गवर्नमेंट जो है इन्होंने रिसेंटली एक डेडिकेटेड क्वारंटाइन सेंटर बनाया था स्पेशली फॉर दी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो ये हमने सारी न्यूज देखी अबाउट मणिपुर गवर्नमेंट एंड अबाउट द रिसेंट इनिशिएटिव्स। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है विच हैज कम अप एज द टॉप परफॉर्मर अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना के अनुसार जो हमारी टॉप परफॉर्मर है वो है जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट। इसके अंदर टॉप परफॉर्म करने का मतलब क्या होता है, ये जो हम स्कीम देख रहे हैं उसमें हमारी गवर्नमेंट 5 किलो का जो है फूड ग्रेन प्रोवाइड करने वाली है हर सभी जो है राशन कार्ड होल्डर को और 1 किलो पल्सेस भी। तो ये जो है ये 3 महीने तक अगले 3 महीने तक करने वाले हैं। तो इस इनिशिएटिव में जितना भी राशन हमने इस गवर्नमेंट को दिया था उसका इन्होंने 100% यूटिलाइजेशन किया है और 100% जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है। तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये टॉप परफॉर्मर के रूप में जो है बन के आई है अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया है और इसके अलावा लक्षद्वीप भी जो है इज द ओनली यूनियन टेरिटरी जिन्होंने 100% डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो हमने देखा अबाउट लक्षद्वीप, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे लक्षद्वीप के बारे में, तो यहाँ की कैपिटल है कावारत्ती और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है मिस्टर दिनेश शर्मा। तो हम यहाँ देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, तो ये एक यूनियन टेरिटरी है जिसके जो लास्ट गवर्नर है वो है मिस्टर सत्यपाल मलिक। अभी जो प्रेजेंट इसके गवर्नर है वो है मिस्टर जीसी मुर्मू। रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा जो है हमें क्लैश देखने मिल रहा है जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान बॉर्डर में। तो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की बॉर्डर को हम कहते हैं LOC। LAC हमारी चाइना और इंडिया के बीच में आती है, LOC जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान। सबसे रिसेंट न्यूज़ हमने देखी थी अबाउट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो कि 18th बेंच इसकी रिसेंटली जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इसे जो है इनॉग्रेट किया गया था। तो हमने देखा जम्मू कश्मीर को एज द टॉप परफॉर्मर अंडर दी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, ये वही योजना है जिसके अंदर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने 1.7 लाख करोड़ का जो है इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया था मिनिस्ट्री, इसलिए भी हमारे लिए योजना जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिन्होंने लॉन्च किया है ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट, ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। तो ये जो है ये लॉन्च किया गया है बाय आंध्र प्रदेश, ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। तो हम क्या देख रहे हैं, इस तरीके का एक जो ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है हमारा 5 जून को आता है और इस दिन इन्होंने इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये जो है ये लॉन्च किया गया है ऑफ आंध्र प्रदेश एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन, तो APEMC जो है APEMC, ये एक पहली ऑनलाइन एक्सचेंज वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि एबल है टू डिलीवर 100% सेफ डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। तो जितने भी हमारे विषाक्त कचरे होते हैं या फिर टॉक्सिक कचरे होते हैं, वेस्ट होता है, उनको भी ये सेफ डिस्पोज कर सकता है और इसी चीज़ के लिए इस कॉरपोरेशन को बनाया गया है और इसी के अंडर ये एक्सचेंज प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। तो हम देख रहे हैं अबाउट आंध्र प्रदेश, तो जैसे कि हमने देखा यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर YSR जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर यहाँ पे है बिश्वभूषण हरिचंदन और कैपिटल यहाँ पे है अमरावती। रीसेंट न्यूज में अगर देखें तो रिसेंटली जगन्ना देवी ना विद्या स्कीम जो है वो इन्होंने लॉन्च की थी, प्लस YSR जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम भी इन्होंने लॉन्च की थी और इसी के साथ एक निगाह ऐप है निगाह, ये भी इन्होंने ही लॉन्च किया था। तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने इन सभी इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया था और हमने अभी रिसेंट इनिशिएटिव भी देख लिया। अगला क्वेश्चन है कि किस स्टेट ने ओपन कर दिया है अपना पहला बायोडायवर्सिटी पार्क इन हल्द्वानी। तो हल्द्वानी में जो पहला बायोडायवर्सिटी पार्क खोला गया है वो है बाय हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश ने जैसा कि हम देख रहे हैं एक पहला अपना बायोडायवर्सिटी पार्क खोला है जिसका नाम है हल्द्वानी, टू एनकरेज दी कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यानी कि जितने भी हमारे यहाँ पे जैव विविधता है उसके लिए इन्होंने इसको ज़्यादा प्रमोट करने के लिए इसे खोला है। इस पार्क का नाम है उत्तराखंड फॉरेस्ट विंग बायोडायवर्सिटी पार्क और ये इन्होंने खोला था ऑन 5 जून यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पे। हम यहाँ बात कर रहे हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट की, तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह, कैपिटल यहाँ पे है देहरादून और दूसरी कैपिटल है समा कैपिटल और इसका नाम है गैरसेन। ठीक है, गैरसेन को काफ़ी ज़्यादा पहले ही अनाउंस कर दिया गया था कि ये यहाँ की समा कैपिटल होगी, पर रिसेंटली जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है इसका कि अब जो है ऑफिशियली समा कैपिटल होगी देहरादून की गैरसेन।
उत्तराखंड की बात करें तो रीसेंट इनिशिएटिव्स में होप पोर्टल इनका जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि लॉन्च किया गया था बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट। इसी के साथ हमारा स्टेज सेक्शन यही खत्म होता है। अब आता है अवार्ड्स। तो अवार्ड्स में हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच रेलवे जंक्शन हैज बीन गिवन द कोवेटेड गोल्ड रेटिंग बाय द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो CII के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है टू त्रिची स्टेशन। ठीक है, त्रिची स्टेशन जो कि हमारा तमिलनाडु का एक स्टेशन है, उसे मिल गया है गोल्ड रेटिंग बाय द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये जो हम गोल्ड रेटिंग देख रहे हैं वो उन स्टेशंस को दिए जाती है जो कि ग्रीन प्रैक्टिसेस अपनाती है। ग्रीन प्रैक्टिसेस का मतलब हो गया कि आप जो है वाटर मैनेजमेंट अपना वाटर मैनेजमेंट अच्छा रखेंगे या फिर ऐसी सारी चीज़ें करेंगे जिससे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो इन सब चीज़ों को जो है त्रिची रेलवे स्टेशन ज़्यादा फॉलो करता था और इस वजह से इन्हें जो है गोल्ड रेटिंग दी गई है बाय CII। CII की बात करें तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर विक्रम श्रीकांत किर्लोस्कर और ये जो है हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो हमने देखा अबाउट दिस गोल्ड रेटिंग जो कि दी गई है बाय CII और ये मिल गया है त्रिची स्टेशन को। तो अगला क्वेश्चन है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड द रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। तो 2020 में पहले इंडियन बने हैं टू गेट दिस अवार्ड, वो है मिस्टर जावेद अख्तर। तो मिस्टर जावेद अख्तर जो है इन्हें ये अवार्ड मिला है। तो हमने देखा अबाउट रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, ठीक है, तो ये अवार्ड लेने वाले मिस्टर जावेद अख्तर जो है ये पहले ऐसे इंडियन हैं। इस अवार्ड की बात करें तो ये करीब 2003 से चला आ रहा है एंड इट इज नेम्ड आफ्टर मिस्टर रिचर्ड हु इज अ फेमस एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। ठीक है, पहले टर्म्स की बात करें तो पहली ऐसी वुमेन, इंडियन वुमेन जिन्हें EY एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड मिला था, ये हमने रिसेंटली डिस्कस किया था और वो है किरण मजुमदार शॉ। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये दोनों फर्स्ट डिस्कस कर लिए और इसी के साथ हमारा जो है अवार्ड सेक्शन खत्म होता है। अब आता है इंटरनेशनल। तो अगला क्वेश्चन है कि इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्री हैव साइंड एन MOU फॉर डेवलपिंग कॉपरेशन इन द पावर सेक्टर। तो पावर सेक्टर में हमने MOU साइन किया है विद डेनमार्क। तो हम देख रहे हैं कि डेनमार्क के साथ हमने जो है एक तरीके का MOU साइन किया है। डेनमार्क की बात करें तो इसके जो कैपिटल है वो है कोपेनहेगन और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे है मेटी फ्रेडरिकसन। रिसेंटली जो है एक ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट आई थी जिसमें डेनमार्क ने टॉप किया था और उसमें जो है इंडिया का रैंक था 76। तो हमने देखा अबाउट दिस सोशल मोबिलिटी इंडेक्स MOU जो कि इंडिया और डेनमार्क ने साइन किया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक जो है दे रहा है 1950 करोड़ का लोन टू विच स्टेट। तो 1950 करोड़ का जो लोन है ये दिया जा रहा है टू वेस्ट बंगाल। तो हमने देखा कि WHO ने 1950 करोड़ का लोन दे रहे हैं टू जो है वेस्ट बंगाल। WHO की बात की जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके जो हेड है डायरेक्टर जनरल है वो है हमारे टेड्रोस एधनोम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अबाउट G20। तो G20 ने कितना अमाउंट जो है प्लेज किया है टू फाइट कोरोना वायरस। तो इन्होंने करीब 21 मिलियन जो है इतना अमाउंट इन्होंने 21 मिलियन डॉलर्स जो है इतना इन्होंने प्लेज किया है टू फाइट कोरोना वायरस। G20 की बात करें तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि G20 में 20 कंट्रीज नहीं है, इसमें 19 कंट्रीज है और एक जो है हमारा EU है यानी कि यूरोपियन यूनियन। तो इसको मिला के 20 जो है इसके मेंबर नेशंस बन जाते हैं। इसे जो है फाउंड किया गया था 1999 में और इस साल की जो चेयरमैनशिप है G20 की वो है विद सऊदी अरेबिया। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने देखा अबाउट G20। रिसेंटली हमने गावी के बारे में भी देखा था कि गावी में इंडिया ने 15 मिलियन डॉलर्स जो है वो हमने कंट्रीब्यूट किए हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है ओबिचरीज का। तो पहला क्वेश्चन है अबाउट चिरंजीवी सर। तो पहला क्वेश्चन है अबाउट चिरंजीवी सरजा। तो आपको बताना है ही वॉज अ फेमस एक्टर। तो चिरंजीवी जो है ही वॉज अ फेमस कन्नडा एक्टर एंड एज वी कैन सी ही रिसेंटली पास्ड अवे। अगला है अबाउट कर्ट थॉमस। तो कर्ट थॉमस ही वॉज अ फेमस हु, ये भी आपको बताना है। तो ही वॉज अ फेमस जिमनास्ट। तो कर्ट थॉमस जो है ये USA के पहले मेल थे टू विन अ गोल्ड मेडल एट द जिमनास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो इस चैंपियनशिप में इन्होंने जो है USA का पहला गोल्ड जीता था। तो हमने देखा अबाउट कर्ट थॉमस एंड अबाउट द कन्नडा एक्टर। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है एक्विजिशंस मर्जर्स एंड MOUs का। तो इसमें जो पहला और आखिरी क्वेश्चन है वो है अबाउट MG मोटर्स। तो MG मोटर्स ने साइन किया है एक MOU विथ विच कंपनी टू सेटअप फास्ट चार्जर्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फास्ट चार्जिंग के लिए इन्होंने साइन किया है MOU विद टाटा पावर। हम क्या देख रहे हैं कि MG मोटर्स ने साइन किया है टाटा पावर के साथ एक MOU टू सेटअप फास्ट चार्जर्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब जो है आगे चल के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही ज्यादा आने वाली है,
तो उनके जो है चार्जिंग स्टेशन लगाना जरूरी है और उसी के लिए इन्होंने MOU साइन किया है। हम यहाँ बात कर रहे हैं टाटा पावर की, तो इसके जो MD एंड CEO है वो है प्रवीर सिन्हा और मोटर इंडिया MG मोटर इंडिया के हैं राजीव चाबा। और अब हमारा आखिरी सेक्शन आता है इम्पोर्टेंट डेज का। तो इम्पोर्टेंट डे के सेक्शन में हमारा आज का दिन है अबाउट वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे जो है हम 8 जून को मनाते हैं। ये जो दिन है ये इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया था जून 8 को, और सन 2000 से जो है हम इस दिन को मना रहे हैं। देखिए ट्यूमर्स क्या होते हैं, ये क्लम्स ऑफ सेल होते हैं जो कि रैपिडली बनते हैं और काफ़ी एबनॉर्मली ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस वजह से जो है लम्स बन जाते हैं और जो है आपको ब्रेन ट्यूमर जैसी सिचुएशन देखने मिलती है। तो 8 जून को हम जो है वर्ल्ड ओशंस डे भी मनाते हैं। तो ये दोनों दिन जो है 8 जून को ही आते हैं। तो इसी इंपॉर्टेंट डेज के सेक्शन के साथ आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। आज का आपका सवाल है, आपको मुझे बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिन्होंने जो है स्पोर्ट्स को एक इंडस्ट्री के रूप में जो है डिक्लेयर कर दिया है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिन्होंने स्पोर्ट्स को एक इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया है। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। इफ यू रियली लाइक टुडेस सेशन प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।